रांची के पहाड़ी मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि बेहद ही धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ शिव बारात निकाली जाती है, तरह तरह की झांकियां निकाली जाती है। इस अवसर पर पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित शिव बारात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बाबा भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य एवं राज्यवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मौके पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा भोले शंकर के दरबार में पूजा अर्चना और आशीर्वाद लेने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। शिव बारात में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। ये परंपरा आगे भी चलती रहे, यही हमारी बाबा भोलेनाथ से विनती है। मुख्यमंत्रियों ने राज्यवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांसद संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री और विधायक सीपी सिंह तथा शिव बारात आयोजन समिति के तमाम सदस्यगण मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण मंदिर का पट नहीं खोला जा रहा था, लेकिन इस बार मंदिर खोला गया था। भगवान भोले के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे भी। राजेश सारू जी, दिलीप गुप्ता जी,
श्रद्धालु भक्तगण, आज का दिन भाषण का दिन नहीं है। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हजारों लाखों साल से आदि और अंत देवों के देव महादेव की पूजा का अर्चना करते हुए आ रहे हैं। इनसे बड़ा कोई नहीं है, हम सब हैं। कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं और कामना करते हैं। हम झारखंड वासियों को इतनी सद्बुद्धि और विवेक दे कि हम अपने धर्म का पालन निष्ठापूर्वक कर सके और हिंदू धर्म और सनातन धर्म से ही इस भारत अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।